बढ़ते अगले खबर की तरफ, जहां बालाघाट में शराब के नशे में धुत होकर डिप्टी रेंजर ने जमकर उत्पात मचाया। बालाघाट के लाल बर्रा वन विकास निगम परिक्षेत्र में पदस्थ डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव का शराब के नशे में उत्पात मचाने का ये एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी रेंजर दीपचंद वासुदेव शराब के नशे में धुत होकर बस स्टैंड कंजई में लोटपोट हो रहे थे और लोगों से बदतमीजी भी कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन डिप्टी रेंजर इतना ज्यादा मदहोश थे कि पुलिस उसे थाने नहीं ले जा सकी। रेंजर रवि गिराम ने भी डिप्टी रेंजर के खिलाफ जातिगत गाली गलौज और अभद्रता करने की शिकायत की है। वही लाल बर्रा थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि डिप्टी रेंजर के खिलाफ 3 महीने पहले भी कुछ इसी तरह का मामला दर्ज हो चुका है। मैं कहीं से आ रहा था, वहाँ गाड़ी खड़ी करा सुन दुकान में, तो वो गाली बकने लगा कि यहाँ गाड़ी यहाँ क्यों आए हो ये वो। कौन गाली बकने लगा? वासुदेव फॉरेस्ट में। फिर हमने उसको समझाया, नहीं माना, ज़्यादा ही गाली बकने लगा, आजू बाजू वालों सबको बकने लगा, 100 नंबर लगाया गया, फिर 100 नंबर आई। फिर कल दिनांक को मुझे दोपहर में गाली गलौज करके अश्लील बातें, तुमने मेरा ट्रांसफ़र कराया हो, तो मेरी माँ बहन की गाली, और मेरे डिप्टी रेंजर विजय कुमरे जी, इनको भी असली जाति सूचक माँ बहन मार डालूंगा, काट डालूंगा, ऐसी बोला है उन्होंने। सर, इसकी शिकायत आपने कहीं दर्ज करवाई है? हाँ, पुलिस थाने में कल मैंने रिपोर्ट करवा दी है जी। किंतु इसको इसके विरुद्ध एक पूर्व में भी आज से करीब 3 माह पहले भी शराब के नशे में एक्सीडेंट इसके द्वारा किया गया था, और रानी कोठार गाँव में भी कुछ गाली गुप्ता नशे में की गई थी, उस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई।